दोस्तों हमारे पास में आ गया है सैमसंग का एक नया ब्रांड न्यू मॉन्स्टर फोन, विच इज दिस द सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। आज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए और मैं इसी को अनबॉक्स करता हूं और देखते हैं कि आखिर इस बार इस मॉन्स्टर में सैमसंग ने क्या नए फीचर्स को पैक किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो मैंने इसको मॉन्स्टर क्यों बोला है, दिस ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी M14, दोस्तों उसका रीजन है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द गैलेक्सी M सीरीज। इनफैक्ट आप में से काफी लोग वैसे ही पूछ रहे थे कि भाई M सीरीज का अगला फोन कब आएगा कब आएगा, और इनफैक्ट जब से लॉन्च हुई है ना, मतलब 2019 की बात है, इट वॉज विद गैलेक्सी M10 एंड वहीं से ही काफी सारे ऑप्शंस जो है वो यूनिक सैमसंग ने प्रोवाइड किए हैं। फॉर एग्जांपल जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम तो खैर M10 था ही, लेकिन उसके बाद में अगर आपसे बात करता हूं तो M30S जो फोन आया था जिसमें 6000 mAh की बैटरी थी जो काफी यूनिक ऑप्शन था, या अगर आपसे बात करता हूं तो M31S के अंदर जो है वो 64 MP का IntelliCam था सिंगल टेक के साथ में, या फिर M33 जो था वो लेके आया था वॉइस फोकस का यूनिक फीचर जहां पे साथ में 5 nm वाला प्रोसेसर भी था, या M13 जो है वो रैम प्लस वाला फीचर लेके आया था, या बेसिकली अगर आपसे बात करता हूं नटशेल तो गैलेक्सी M सीरीज ये डेफिनेटली एक नए काइंड ऑफ इनोवेशन साथ में आज तक फोन हमेशा आए हैं, और इस बार वी हैव दिस द न्यू मॉन्स्टर M14 5G, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स 5G का जमाना भाई। तो यहां पे कह रहे दोस्तों जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं इसको ओपन और देखते हैं कि बॉक्स में क्या है। एंड कंटेंट्स आर प्रीटी स्टैंडर्ड दीज डेज। हमारे पास में है ये जहां पे सिम टूल है और सम मैनुअल टू रीड, एंड देन वी हैव दिस USB C2C केबल, एंड हमारे पास में रखा है ये फोन, और इसको अगर मैं हटाता हूँ देयर यू गो। तो ये है ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी M14 अगेन विद द न्यू सैमसंग डिजाइन लैंग्वेज। ये हम इसको बूट करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर इस फोन में क्या क्या फीचर्स सैमसंग ने ऐड किए। गाइज ये हमने कर लिया है भैया ऑल न्यू M14 को पूरा सेट, और हमारे पास में है इसका आईसी सिल्वर कलर। अगेन यार कूडोस टू द पीपल सिटिंग इनसाइड एंड डिसाइडिंग द नेम्स ऑफ स्मार्टफोन कलर्स, बिकॉज हर बार हमारी डिक्शनरी में कुछ दो चार नए शब्द ऐड हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे इसके अंदर नए नए कलर्स आपको इसके अलावा और मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जिसके बारे में आया तो वो ऑब्वियसली इसका डिजाइन होगा, जहाँ पे ये चीज इट्स प्रीटी एविडेंट कि यहाँ पे सैमसंग की नई डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है। फिलहाल हमारे पास में ट्रिपल कैम सेटअप है, खैर बात करूंगा आपसे इसके बारे में आगे बढ़ते हुए। और बाकी अगर हम बात करते हैं कंप्लीट कंस्ट्रक्शन की तो आपको ये जो है वो ऐसा एक इनोवेटिव फील दे देता है, और सामने यहाँ पे जो है वो बहुत ही तगड़ा काम किया है सैमसंग ने, बिकॉज इसको तो मतलब हम भैया गए थे कॉर्निंग फैक्ट्री में और वहां पे जब उन्होंने डेमोज करवाया ना तो तब से आता है और ज्यादा कॉन्फिडेंस। कोरिया में यही करके आए हैं वहां पे जब सैमसंग HQ के टूर पे थे कि गोरिल्ला ग्लास 5 है तो लिटरली Nothing's gonna happen because it is well protected. तो यार ये चीज़ आपको दिख जाती है, और सामने प्रोटेक्शन जो है वो मिल रही है 6.6 inches के इसी फुल HD+ डिस्प्ले को, विच इज PLS LCD टाइप, और ये आता है इस नॉच के साथ में जहाँ पे 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर रहा है। एंड एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार बड़ा स्क्रीन है और 90Hz है तो उसको आप बड़े यूज कर पाएंगे। अगर हम बात करेंगे इंटरनल्स की तो यहाँ पे बहुत ही आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा इन दिस प्राइस range, which is the all new Exynos 1330 processor. ये एक octa-core 5G processor है based on 5 nanometers, मतलब 5G भी है 5 nanometers भी है, तो performance काफी अच्छी है। 400,000 के पार का इंटरनल स्कोर निकल के आता है, और कहीं ना कहीं efficiency के point of view से भी ये चीज काफी अच्छे तरीके से काम करती है। अगर हम बात करते हैं typical physical overview की तो यहाँ पे हमारे पास में ये integrated fingerprint scanner वाला power button है, साथ में volume rocker है, ऊपर secondary microphone है, यहाँ पे हमारे पास SIM tray है, और
नीचे हेडफोन जैक, माइक्रोफोन, यूएसबी सी पोर्ट, स्पीकर ग्लू वगैरह मिल जाती है। और पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है ना, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज हमारे पास में है 50 मेगापिक्सल्स का f1.8 लेंस के साथ में आने वाला एक प्राइमरी कैमरा जो कि यहाँ पे लगा है बीच में। ऊपर और नीचे यहाँ पे दो अलग और कैमराज हैं 2+2 मेगापिक्सल्स के, मैक्रो एंड डेप्थ, तो आई मीन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमारे पास में सामने ये सेल्फी में लगा है एक 13 मेगापिक्सल्स का कैमरा एंड टिपिकल यू नो सैमसंग्स कैमरा ऐप दैट वी हैव। और आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं जो इसी फोन के कैमरा से क्लिक किए हैं यूजिंग यू नो द फ्रंट एंड द रियर कैमराज, सो यू कैन सी कि कैसा ये पूरा ऑप्शन निकल के आता है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके अलावा तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही यू नो खास बना देती हैं एम सीरीज के फोन्स को, उनके कुछ कुछ यू नो स्पेशल केएसपीज रहती हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ही यूनिक है वो है 6000 mAh की बैटरी। और 6000 mAh की बैटरी कपल्ड विद 25 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट एंड कपल्ड विद द फैक्ट कि यहाँ पे है एक्सिनोस 1330 प्रोसेसर, तो जो कंप्लीट आपको बैकअप मिलने वाला है वो डेफिनेटली बहुत लंबा मिलने वाला है। मतलब मेरे कुछ यू नो नोन लोग हैं जो एम सीरीज का फोन यूज करते हैं, उनको पता है कि बैटरी एक बार चार्ज कर लेंगे तो काफी ज्यादा लंबी चलती है। तो आई थिंक सेम इज द केस विद दिस फोन। इसके अलावा एक और चीज जो लंबी चलने वाली है इस फोन के साथ में वो है सॉफ्टवेयर। यार देखो पहली बात तो ये कि ये जो फ़ोन है ये आता है फिलहाल हमारे पास में सैमसंग के ही वन यूआई कोर वर्जन 5.1 के साथ में, फिलहाल एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है, यू नो वी हैव प्रीटी मच ऑल द ऑप्शंस। लेकिन यहाँ पे आता है सैमसंग का प्रॉमिस कि आपको 2 साल के मिलेंगे ओएस अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी। तो कहीं ना कहीं बोलूँगा तो फ़ोन जो है वो आपको एक लंबे टाइम तक आपका साथ निभाते हुए दिख जाएगा। और यहीं पर ही वन यूआई के फिर कुछ फीचर्स जो हमको इस फ़ोन में मिल जाते हैं, जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सैमसंग वॉलेट है, तो सैमसंग वॉलेट कहीं ना कहीं एक ही पे आपके सारे जो भी यू नो डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई भी चीज अगर ऐसी जहां पे यू नो टिकट हो गई आपका या आपका डिजी लॉकर वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, पेमेंट आपको करना है, वो सब चीजें आपको एक साथ मिल जाती हैं विच इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो वो एक काफी अच्छी बात है। साथ में फिर हमारे पास में ऑप्शंस हैं लाइक वॉइस फोकस वाला, यार कि जहाँ पे आप अगर शोर शराबे वाले माहौल में हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाती है वॉइस फोकस के साथ में। और ये एक काफ़ी अच्छा इनोवेशन है सैमसंग की तरफ से। एंड देन वी हैव फॉर एग्जांपल कॉल बैकग्राउंड को आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मिल जाती है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे हार्डवेयर के साथ में व्हेन यू यू नो कंबाइन अ गुड सॉफ्टवेयर तो एक एडवांटेज डेफिनेटली हमको मिलता ही है। और फिर अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, तो यार यहाँ पे बिकॉज यू नो द पावर ऑफ सैमसंग्स इको सिस्टम, आपको ये फोन डेफिनेटली वेल पोजिशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ यू नो इफ यू हैव अदर डिवाइसेज, तो थिंग्स यू नो विल वर्क डेफिनेटली इन सिंक। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा तो एक और चीज़ जो बहुत अच्छे से काम करने वाली है वो है 5G, बिकॉज 13 5G बैंड्स के साथ में फ़ोन आता है। तो आई मीन देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपको बड़े आराम से 5G का पूरा जो मज़ा है वो इस फ़ोन में मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि दिस M14 5G बिकम्स अ मॉन्स्टर बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमंगस बैटरी विच इज़ पैक्ड इनसाइड, बिकॉज ऑफ दिस कैमरा सेटअप या द एक्सिनोस 1330 प्रोसेसर विच इज़ क्वाइट यू नो अ चैम्पियन बाय द वे, और यू नो एवरीथिंग कम्बाइंड टुगेदर द सॉफ्टवेयर, ये फ़ोन निकल जाता है हमारे सामने। और यार इसको एक बात बताना, जैसे मैं तो आज भी ना ईयरफोन्स की तरफ से बात करता हूँ तो नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ ईयरफोन्स आई हैव, बट एट टाइम्स आई टेंड टू यूज़ फॉर जो बेसिक से बेसिक एकदम बेसिक सबसे सस्ते वाले जो तार वाले होते हैं ना, बिकॉज ख़राब हो जाए कोई बात नहीं, फेंक दो नया ले लो, मतलब मैं वो यूज़ करता हूँ। आप अगर आपके फ़ोन में हेडफोन जैक है तो क्या आप स्टिल ब्लूटूथ को यूज़ करते हो या वायर्ड पे जाते हो ना, मुझे नीचे कमेंट करते हो जरूर बताना। और वैसे जहाँ तक बात है बताने की, तो मैं आपको बताता हूँ इस फ़ोन की प्राइस क्या है। हमारे पास में यहाँ पे इसके अंदर 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं, जहाँ पे रैम आती है 4GB या फिर 6GB के साथ में, और स्टोरेज जो है वो है 128GB की, जहाँ पे इसकी प्राइस है 4GB रैम 128GB स्टोरेज वेरियंट के लिए वो है 14,990 रुपीज़, और 6GB वाला जो वेरियंट है वो मिलता है 16,490 का। बट फिर यहाँ पे बैंक कैशबैक ऑफर्स हैं 1500 रुपये के, तो टेक्निकली जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो हो जाती है बेस वेरिएंट के लिए 13,490 रुपये, और हाई एंड वेरिएंट जो है 6+128 उसके लिए 14,990 रुपये। और ये ऑफ कोर्स एज यू नो बिकॉज दिस इज सैमसंग्स एम सीरीज फोन, तो अमेजोन पे जाके आपको उसका पूरा मजा मिलेगा। सो या दिस इज इट। आप बताओ गाइस कि क्या ये जो मॉन्स्टर वाला फ़ोन है, मतलब पैक्ड विद ऑल दीज थिंग्स, ये आपको
अच्छा लगा या क्या आपको अगले यू नो अपकमिंग और एम सीरीज के फोन्स का वेट है क्या? बिकॉज डेफिनेटली काफ़ी लोग, इनफैक्ट मैंने अभी एसटीएम में एक जवाब दिया था कल भी, यू नो दे आर वेटिंग ऑन एम सीरीज फोन्स. तो एक तो आ चुका है, आगे देखते हैं कि सैमसंग इसी यू नो लैंग्वेज को फॉलो करते हुए, बिकॉज इट्स क्वाइट कंसिस्टेंट नाउ एंड इट्स गुड टू सी इट्स क्वाइट रिकग्नाइजेबल फ्रॉम फार अवे एज वेल कि हाँ ये सैमसंग का फोन होगा. आप बताओ आपकी क्या बात है नीचे कॉमेंट करते हुए, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना. मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.